विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि NFIA की जब हम बात करते हैं तो उसकी अवधारणा क्या है, इसे आइए देखते हैं। यहाँ पर NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये, और साथ में इसमें कुछ जो निश्चित बिंदु सम्मिलित है जिनके आधार पर हम इनको और अच्छे से समझ सकते हैं, वो है सबसे पहली बात तो ये जो है ये आयात और वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात के मूल्य में जो डिफरेंस रहता है, यानी कि जब हमने निर्यात किया तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आई, और जब हमने दूसरे देशों से आयात किया तो हमको विदेशी मुद्रा उनको देनी पड़ी, तो इन दोनों के बीच में जो विदेशी मुद्रा हमारे पास बच गई वो आता है। और दूसरी बात यहाँ पर इस एक अवधारणा के अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो NFIA जो होता है वो हमने पहले भी देखा था कि सकारात्मक या पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है और निगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की अपनी अलग अलग कैलकुलेशन है। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि यदि ये धनात्मक यानी कि प्लस में आंसर आता है तो जब हम GNP की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ हम इसको प्लस कर देते हैं, और यही वैल्यू जब NFIA की माइनस में आ जाती है तो GNP की कैलकुलेशन करते समय हम इसको घटा देते हैं यानी कि माइनस कर देते हैं। अब एक अगला बिंदु जो हमको देखने को मिलता है वो है निजी आय यानी कि प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम। तो निजी आय के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में निजी क्षेत्र के स्रोतों से वस्तु और सेवाओं के आधार पर जो भी आय प्राप्त होती है वो पूरी जो आय होती है वो निजी क्षेत्र की आय कहलाती है। इसे हम जो साधन आय जिसके बारे में हमने अभी जाना, जो लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ और वेतन इन आधारों के रूप में होती है जिन्हें हम साधन आय कहते हैं, उसके अंतर्गत ही हम निजी आय को शामिल करते हैं। साथ में यहाँ पर जो हमको सरकार से जो आय प्राप्त होती है उसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। एक बिंदु ये भी देखते हैं कि हमने जब फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला लिखा, तो उसमें एक पॉइंट आया कि शेष विश्व से प्राप्त समस्त आय, तो शेष विश्व यानी कि ये साधनों से जो आय हुई उसके साथ कहीं से भी कोई भी आय प्राप्त हुई हो तो वो भी इसमें ऐड हो जाती है पर्सनल इनकम की जब हम बात करते हैं। यहाँ पर जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर हम निजी आय को एक सूत्र के रूप में व्यक्त करना चाहें तो होगा निजी आय बराबर निजी क्षेत्र के घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस सरकार से चालू हस्तांतरण भुगतान से प्राप्त आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो इसके आधार पर हम निजी आय की कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ पॉइंट्स अगर है हमारे पास या प्रश्न में आते हैं तो हम इसे इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, निजी आय बराबर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस सार्वजनिक क्षेत्रों के घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, और इसमें हम प्लस कर देंगे समस्त चालू हस्तांतरण, और हम साथ में इसमें और प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार निजी आय की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, जिसको कि हम आगे सकल या घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद की गणना में कैलकुलेट करने में हम शामिल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर क्या है। राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर। राष्ट्रीय आय में केवल आय भुगतान शामिल किए जाते हैं, जबकि निजी आय में आय भुगतान तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सृजित आय को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है।
राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की आय होती है, जबकि निजी आय निजी क्षेत्र के लोगों की आय होती है। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज नहीं शामिल किया जाता, जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज के भुगतान को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय का सूत्र है राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू साधन आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। निजी आय का सूत्र है निजी आय बराबर घरेलू साधन आय माइनस घरेलू उत्पाद से सरकारी क्षेत्र को प्राप्त आय प्लस समस्त चालू हस्तांतरण भुगतान प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। आइए इससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। निम्न आंकड़ों के आधार पर हमें यहाँ पे निजी आय, व्यक्तिगत आय और व्यय योग्य आय ज्ञात करनी है। कुछ मदें दी गई हैं और उनकी राशियां करोड़ रुपए में दी गई हैं। घरेलू आय 82,048, घरेलू आय 82,041 करोड़ रुपए, शुद्ध विदेशी अवशेष 1,070 करोड़, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत 464 करोड़, निगम कर 1,251 करोड़, प्रत्यक्ष कर 2,100 करोड़। यहाँ हम सबसे पहले निजी आय जब कैलकुलेट करेंगे तो निजी आय ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर हमें घरेलू आय और विदेशों से प्राप्त जो आय होता है, शुद्ध विदेशी अवशेष जो होता है, उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ प्रश्न में हम देख रहे हैं कि घरेलू आय 82,041 दी गई है और इसमें अगर हम शुद्ध विदेशी अवशेष जो कि प्रश्न में दिया है 1,070 इसको जोड़ देते हैं तो 83,111 करोड़ रुपए जो है वो हमें निजी आय ज्ञात हो जाएगी। अब दूसरा हमको यहाँ पर व्यक्तिगत आय ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि व्यक्तिगत आय क्या होती है, जब निजी आय में से हम सार्वजनिक क्षेत्र की बचत और निगम कर को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग माइनस कर देंगे तो हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि निजी आय तो हमने कैलकुलेट कर ली है 83,111, इसमें से हम सार्वजनिक क्षेत्र की बचत यानी कि 464 और निगम कर यानी कि 1,251 माइनस कर देंगे तो 81,396 करोड़ रुपए जो है वो हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी। फिर हम देखते हैं व्यय योग्य आय। तो व्यय योग्य आय के लिए आपने देखा कि हम व्यय योग्य आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय जो होती है उसमें से प्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ प्रत्यक्ष कर के बारे में दिया गया है तो प्रत्यक्ष कर को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि व्यक्तिगत आय हमने कैलकुलेट कर ली है अभी 81,396 और इसमें से हम प्रत्यक्ष कर यानी कि 2,100 माइनस कर देंगे तो 79,296 करोड़ जो है वो व्यय योग्य आय हमको ज्ञात हो जाएगी। व्यक्तिक आय किसी देश के व्यक्तियों व परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का योग है। पीटरसन के अनुसार व्यक्तिक आय व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का योग है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों तथा परिवारों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है, जैसे फर्मों या निगमों को जो लाभ प्राप्त होते हैं उसमें से कुछ भाग व्यक्तियों में नहीं बांटा जाता बल्कि अवितरित लाभ के रूप में फर्मों के पास रह जाता है। इस प्रकार अवितरित लाभ के दो अंग हैं, एक निगम कर और दूसरा निगम बचत। निगम कर एवं निगम बचत को व्यक्तिक आय में शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिक आय बराबर निजी आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ, या इसके जगह हम लिख सकते हैं व्यक्तिक आय बराबर निजी आय माइनस निगम कर माइनस निगम उद्यमों की शुद्ध बचतें। दूसरा हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, व्यक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सार्वजनिक क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ। निजी आय तथा व्यक्तिक आय में अंतर। निजी आय व्यक्तिक आय के तुलना में एक व्यापक धारणा है।
व्यक्तिक आय एक संकुचित धारणा है। निजी आय निजी उद्यमों एवं परिवारों के समस्त स्रोतों की आय होती है, जबकि व्यक्तिक आय व्यक्तियों अथवा परिवारों को प्राप्त होने वाली आय होती है। निजी आय में निगम कर, अवितरित लाभ आदि सम्मिलित रहते हैं, जबकि व्यक्तिक आय में निगम कर एवं अवितरित लाभ शामिल नहीं होते। निजी आय का सूत्र है, निजी आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सार्वजनिक क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस समस्त चालू हस्तांतरण। व्यक्तिक आय का सूत्र है, व्यक्तिक आय बराबर निजी आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ यानी कि विदेशी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय को घटाकर। राष्ट्रीय आय एवं व्यक्तिक आय में अंतर। राष्ट्रीय आय आय के सृजन संबंधी धारणा है, जबकि व्यक्तिक आय आय प्राप्ति संबंधी धारणा है। राष्ट्रीय आय में निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों की आय को शामिल किया जाता है। व्यक्तिक आय में केवल निजी क्षेत्र की आय शामिल है। राष्ट्रीय आय में निगम कर तथा अवितरित लाभ शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिक आय में निगम कर एवं अवितरित लाभ शामिल नहीं होते। राष्ट्रीय आय में किसी प्रकार के अंतरण भुगतान शामिल नहीं होते हैं, जबकि व्यक्तिक आय में समस्त चालू अंतरण भुगतान शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं होता, व्यक्तिक आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल होता है। अब अगली जो इसकी अवधारणा आती है वो होती है व्यक्तिक व्यय योग्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वास्तव में हम ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो भी आय कमाता है, जो भी धन कमाता है, वो उसकी आय होती है और वही उसकी व्यय योग्य आय होती है, वो पूरा का पूरा खर्च कर देता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, उसमें से कुछ राशि वो करों के रूप में भी चुकाता है। तो करों को चुकाने के बाद जो उसकी आय बच जाती है, उसे ही हम वास्तव में व्यक्तिक कर योग्य आय मानते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ बिंदु हमारे सामने निकल कर आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि संपूर्ण व्यय योग्य आय जो है वो उपभोग पर खर्च नहीं की जाती है, और दूसरी ये बात है कि आय में से आयकर घटाने के बाद जो राशि बच जाती है उसे हम व्यय योग्य आय कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हमें व्यक्तिक व्यय योग्य आय की कैलकुलेशन करनी हो तो यहाँ हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा व्यक्तिक व्यय योग्य आय बराबर व्यक्तिक आय माइनस अप्रत्यक्ष कर, या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिक व्यय योग्य आय बराबर उपभोग व्यय प्लस जो उसकी बचत जो बच जाता है, यानी कि जो पूंजी निर्माण के लिए बचत हो जाती है, तो उपभोग व्यय प्लस बचत। अगला हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जब राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पर, तो उसको हम किस तरह से यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं, व्यक्तिक व्यय योग्य आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस व्यवसायिक बचतें माइनस अप्रत्यक्ष कर, और उसमें हम प्लस कर देते हैं व्यक्तिक एवं व्यवसायिक प्रत्यक्ष कर, और उसमें हम ऐड कर देते हैं हस्तांतरण भुगतान। तो यहाँ पर व्यक्तिक व्यय योग्य आय के बारे में हमने बात की। आइए इससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। दी गई सूचनाओं के आधार पर हमें यहाँ पर साधन लागतों पर राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और साथ ही पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम की कैलकुलेशन करनी है। मदें दी गई है GDPFC यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट 81,429, शुद्ध विदेशी अवशेष माइनस 201, सरकारी विभागों द्वारा अर्जित संपत्ति तथा उद्यम से प्राप्त आय 1,824, अविभागीय उद्यमों की बचत 509, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 964, शासकीय विभागों से चालू हस्तांतरण 1,981, शेष विश्व से चालू अन्य हस्तांतरण,
शेष विश्व से अन्य चालू हस्तांतरण 1,271, निजी क्षेत्र के बचत 464, कंपनी कर 1,251, प्रत्यक्ष कर 2,100। यहां हमको क्योंकि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध विदेशी अवशेष। प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 81,429 प्लस, क्योंकि विदेशी अवशेष जो है वो माइनस में दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -201 और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 81,228 करोड़ रुपीस आ जाएगा। यहाँ हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम के अंतर्गत कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज या लाभांश, जिन्हें हम साधन आय कहते हैं, जैसे इसमें अवितरित लाभ, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, मिश्रित आय, प्रत्यक्ष कर, घिसावट व्यय या उपभोग हेतु रखी गई वस्तुओं का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र का अतिरेक, ये सब शामिल किए जाते हैं। दूसरा, हमको यहाँ पर व्यक्तिगत आय की कैलकुलेशन करनी है, तो व्यक्तिगत आय का जो फॉर्मूला होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से हम माइनस कर देंगे सरकारी विभागों द्वारा अर्जित संपत्ति तथा उद्यम से प्राप्त आय, और फिर हम उसमें प्लस करेंगे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, शासकीय विभागों से चालू हस्तांतरण, शेष विश्व से अन्य चालू हस्तांतरण, कंपनी कर, और फिर हम इसमें माइनस कर देंगे कंपनी कर, निजी क्षेत्र की बचत और अविभागीय उद्यमों की बचत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 81,228 है। इसमें से हम जब सरकारी विभागों द्वारा अर्जित संपत्ति तथा उद्यम से प्राप्त आय माइनस करेंगे तो 1,824 माइनस हो जाएगा, और इसमें हम प्लस करेंगे राष्ट्रीय ऋण पर प्राप्त ब्याज 964 प्लस शासकीय विभागों से चालू हस्तांतरण 1,981 प्लस शेष विश्व से अन्य चालू हस्तांतरण 1,271 माइनस कंपनी कर 1,251 माइनस निजी क्षेत्र की बचत 464 माइनस अविभागीय उद्यमों की बचत 509। तो यहां पर जो पर्सनल इनकम होगी वो आ जाएगी 81,396 करोड़। तीसरा, हमको यहाँ पर व्यय योग्य आय की कैलकुलेशन करनी है डिस्पोजेबल इनकम की, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। अब क्योंकि सेकेंड स्टेप में हमने व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर ली है 81,396, और इसमें से हम प्रश्न में दिया गया प्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे यानी 2,100, तो 79,296 करोड़ जो डिस्पोजेबल इनकम है वो हमको ज्ञात हो जाएगी। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP-MP और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP-FC, व्यक्तिक आय और व्यय योग्य आय की गणना करनी है। इन मदों के साथ दी गई राशियां करोड़ रुपए में है। निजी आय 1,25,745, घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय 3,618, अवितरित व्यवसायिक लाभ 1,209, निगम कर 1,970, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 16,931, प्रत्यक्ष कर 2,501, शुद्ध विदेशी अवशेष -7, बेरोजगारी भत्ता 3,311, घिसावट व्यय 9,751, मिश्रित आय 500, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 4,603। यहां हम देखते हैं कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP-MP की कैलकुलेशन के लिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको निजी आय दी गई है। इस निजी आय में हम घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय को प्लस कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें से जिन मदों को माइनस करते जाएंगे वो होगी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, शुद्ध विदेशी अवशेष
घिसावट व्यय और बेरोजगारी भत्ता। तो यहाँ हम देखते हैं कि निजी आय है 1,25,745, इसमें हम घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय यानी कि 3,618 प्लस कर देंगे और माइनस करते जाएंगे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 4,063, शुद्ध विदेशी अवशेष -7, घिसावट व 9,751 और बेरोजगारी भत्ता 3,311। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमको 1,12,245 करोड़ रुपए जो है वो NDPMP यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाएगा। अब हम साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDPFC की कैलकुलेशन करेंगे। तो क्योंकि हमने देखा कि जब हम साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं तो वहां पर हम NDPMP में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो जो हमारा बैलेंस आता है वो NDPFC यानी कि फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने NDPMP को कैलकुलेट कर लिया है 1,12,245, इसमें से हम अप्रत्यक्ष कर जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है प्रश्न में दिया गया है 16,931 माइनस कर देंगे तो 95,314 करोड़ जो है वो हमें NDPFC प्राप्त हो जाएगा। तीसरा हमको यहाँ ज्ञात करना है व्यक्तिक आय। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि व्यक्तिक आय के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा NDPFC प्लस शुद्ध विदेशी अवशेष माइनस अवितरित व्यवसायिक लाभ माइनस निगम कर। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है NDPFC जो कि 95,314 करोड़ आया है, इसमें हम प्लस करेंगे जो हमें शुद्ध विदेशी अवशेष यानी कि -7 रुपीज जो प्राप्त हुआ है और उसके बाद हम इसमें माइनस कर देंगे अवितरित व्यवसायिक लाभ यानी 1,209 और हम माइनस कर देंगे इसमें निगम कर यानी कि 1,970। तो इसके कैलकुलेशन से हमें जो अमाउंट मिलेगी वो होगी 9,72,128, ये हमारी व्यक्तिक आय कहलाएगी। अब क्योंकि हमको यहाँ पर व्यय योग्य आय भी ज्ञात करनी है तो हमने देखा कि किस प्रकार व्यय योग्य आय निकालने के लिए हम व्यक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। तो व्यक्तिक आय हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर 92,128, इसमें से हम जो प्रत्यक्ष कर है क्वेश्चन में दिया गया है 2,501 इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें 89,627 करोड़ रुपीज जो है वो व्यय योग्य आय हमको प्राप्त हो जाएगी। इन सूचनाओं के आधार पर व्यय योग्य आय ज्ञात करना है जहाँ कुछ मदें दी गई हुई यहाँ कुछ मदें दी हैं और साथ में व्यय जो दिए हैं वो करोड़ रुपए में दिए गए हैं। राष्ट्रीय आय 2000 करोड़ रुपए, निगम कर 500 करोड़ रुपए, व्यक्तिगत आय कर 100 करोड़ रुपए और लाभांश 50 करोड़ रुपए। क्योंकि हमको व्यय योग्य आय की गणना करनी है और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो व्यय योग्य आय में राष्ट्रीय आय और लाभांश को जोड़ दिया जाएगा और इसमें से जो दो प्रकार के कर हैं निगम कर और व्यक्तिगत आय कर इनको हम घटा देंगे यानी कि 2000 प्लस 50 माइनस 500 माइनस 100 तो 1,450 करोड़ रुपीज जो होगा वो व्यय योग्य आय कहलाएगी। निम्नलिखित विवरण से निजी आय, व्यक्तिक आय और व्यय योग्य आय ज्ञात कीजिए। निजी क्षेत्र में घरेलू उत्पाद से होने वाली आय 79,096 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 964 करोड़ रुपए, निजी कंपनी क्षेत्र की बचत 464 करोड़ रुपए, विदेशों से शुद्ध साधन आय 201 करोड़ रुपए, सरकार के प्रशासकीय विभागों से चालू अंतरण 1,981 करोड़ रुपए, निगम कर 1,251 करोड़ रुपए, परिवारों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कर 2,100 करोड़ रुपए, संसार के अन्य भागों से शुद्ध चालू अंतरण 1,271 करोड़ रुपए। अब क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम निजी आय की कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि निजी आय की कैलकुलेशन में हम किन किन मदों को शामिल करते हैं।
तो निजी आय के कैलकुलेशन के हमें के लिए हमें यहाँ पर निजी क्षेत्र में घरेलू उत्पाद से होने वाली आय, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज और साथ में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, सरकार के प्रशासकीय विभागों से चालू अंतरण और निगम कर, ये सारे जो अमाउंट्स है वो यहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे और निजी आय हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। यानी 79,096 प्लस 964 प्लस माइनस 201 प्लस 10981 प्लस 2 प्लस 1000 प्लस 1981 प्लस 1278 तो निजी आय जो हो जाएगी वो हो जाएगी 83,111। अगर व्यक्तिक आय की बात करें तो यहाँ पर हम व्यक्तिक आय में, क्योंकि हमने निजी आय पहले से ज्ञात कर ली, अब इस निजी आय में हमको दो चीजों को यहाँ पर माइनस कर देना है। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो हमको यहाँ पर निजी कंपनी क्षेत्र की जो बचत है वो इसमें से घट जाएगी, और दूसरा अन्य भागों से, संसार के अन्य भागों से, जैसे कि हमने अभी देखा कि संसार के अन्य भागों से जो शुद्ध चालू अंतरण है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो उसको हम यहाँ पे घटा देंगे। यानी कि 83,111 माइनस 464 माइनस 464 माइनस 1,251, तो ये व्यक्तिक आय जो है वो 81,396 हमको ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार अब हमें, क्योंकि व्यय योग्य आय निकालनी है, तो व्यय योग्य आय के लिए हमने देखा कि जो व्यक्तिक आय होती है उस व्यक्तिक आय में से जब हम परिवार द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कर को हटा देते हैं तो जो बच जाता है वो व्यय योग्य आय कहलाती है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जो हमने कैलकुलेशन की है व्यक्तिक आय की 81,396, इसमें से हम परिवार द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कर यानी कि 2100 को डिडक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो 79,296 जो है व्यय योग्य आय कहलाएगी। अगला पॉइंट हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, जिसके बारे में हम पहले से भी जान चुके हैं। जब हम कुल राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो कुल राष्ट्रीय आय है वो कितने लोगों से मिलकर हुई है, यानी कि जनसंख्या क्या है, और इसी राष्ट्रीय आय को जब हम पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हम प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। अगली हमारी जो अवधारणा है वो है वास्तविक आय। वास्तविक आय को सीधे सीधे हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जब राष्ट्रीय आय को एक आधार वर्ष की कीमतों के सामान्य स्तर पर व्यक्त किया जाता है तो जो आय हमको दिखती है वही वास्तविक आय होती है, और जब हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो हो जाती है वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर मौद्रिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटे वर्ष का कीमत निर्देशांक गुणित 100। क्यों इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह से हम इस पूरे वास्तविक राष्ट्रीय आय के अंतर्गत और भी बहुत सारे जो बिंदु हैं किस तरह से हम उनको समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। वास्तविक आय के संबंध में देश के किसी वर्ष के वास्तविक आय जानने के लिए एक ऐसा वर्ष आधार वर्ष लिया जाता है जब सामान्य कीमत स्तर न तो अधिक और न कम हो तथा उसको 100 के बराबर मान लिया जाता है। अब जिस वर्ष की वास्तविक राष्ट्रीय आय जाननी हो उस वर्ष की कीमतों के सामान्य स्तर को आधार वर्ष की कीमतों पर मूल्यांकित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम वास्तव में इतने सारे व्यय आय उपभोग और बचतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं। हमने देखा कि कितनी सारी इसकी अवधारणाएं हैं, तो क्या महत्व है राष्ट्रीय आय का और क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की जानी जरूरी है, आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व। तो सबसे पहला जो महत्व है वो है आर्थिक नियोजन में सहायक। किसी भी देश की सरकार अपने देश के लिए एक वार्षिक योजना बनाती है, बजट बनाती है, और उसके आधार पर फिर वो नीति निर्धारित करती है और क्रियान्वयन करती है।
लेकिन किसी भी योजना को बनाने से पहले जब हम आर्थिक योजनाओं की बात करते हैं तो किसी भी आर्थिक योजना को बनाने से पहले अर्थ की स्थिति क्या है, धन की स्थिति क्या है, ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार जो होती है वो अपने प्राप्त उसे जो प्राप्त राजस्व होता है उसको कई अलग अलग क्षेत्रों में व्यय करती है, जिसे हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कुछ परिवहन के क्षेत्र में, कुछ उद्योगों के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग धनराशि व्यय की जाती है। तो इन योजनाओं के निर्माण के पूर्व ये जान लेना जरूरी होता है कि वास्तव में राजस्व की स्थिति क्या है, देश की राष्ट्रीय आय क्या है, देश में उत्पादन व्यवस्था की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करनी जरूरी हो जाती है। दूसरा इसका महत्व है आर्थिक कल्याण का मापक है। विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय का हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, हम ये पता लगा लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में कमी हुई है साल दर साल या वृद्धि हुई है, और इसके आधार पर हम देश का जो विकास है, जो कल्याण है, उसकी स्थिति का सही सही आकलन कर पाते हैं। तीसरे हम इसके महत्व की बात करते हैं कि ये वास्तव में जीवन स्तर का सूचक है। जब हम राष्ट्रीय आय के आधार पर प्रति व्यक्ति आय की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसके आधार पर देखते हैं कि गत वर्ष में प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा इस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन हुआ है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है, और इसके आधार पर हम तय करते हैं कि देश के लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊँचा उठ रहा है या नीचे गिर रहा है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी आती है कि तुलनात्मक अध्ययन, जैसे कि हमने जीवन स्तर की बात कही, आर्थिक विकास की बात कही, तो कहीं ना कहीं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन होती है वो विभिन्न वर्षों के राष्ट्रीय आय में तुलना का एक आधार भी बनती है। एक महत्व हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि आय का जो समुचित वितरण है, किन किन क्षेत्रों में आय का किस किस प्रकार से वितरण किया गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी भी हम राष्ट्रीय आय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या था। अब हम देखते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर हमारे आसपास जो आर्थिक क्रियाएं होती रहती हैं उनमें से बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में शामिल करते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लगते तो हैं कि शामिल होने चाहिए लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से हम उनको राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। आइए कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत हमने बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में जाना। अब आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि इनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, लेकिन इसके पहले आइए कुछ ऐसे बिंदुओं पर हम नज़र डाल लें। एक उदाहरण स्वरूप हम देख लें कि किन किन मदों को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा और किन किन मदों को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला अगर एक प्रश्न आता है कि पुरानी मोटर कार की बिक्री की गई तो क्या उससे प्राप्त राशि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल की जाएगी, इसका आंसर हम यहाँ पर दे सकते हैं नहीं। क्यों नहीं शामिल की जाएगी? क्योंकि पुरानी कार की बिक्री से वर्तमान जो जिस वर्ष में हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं वहाँ ना तो किसी उत्पादन में और ना किसी सेवा में वृद्धि होती है। दूसरा एक बिंदु हम देखते हैं कि सैनिक जो सैन्य अधिकारी हैं तो क्या उनको जो वेतन दिया जाता है वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाना चाहिए? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, सैन्य अधिकारियों का वेतन राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक प्रकार की साधन आय है और कुल साधन आयों को हम राष्ट्रीय आय की गणना में जरूर शामिल करते हैं। तीसरा एक उदाहरण हम देखते हैं कि स्मगलरों की जो आय है, तस्करी से जो आय होती है, क्या उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए? नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी हमने देखा जब राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ हमने देखा कि जो अवैधानिक व्यापार होते हैं उनसे जो आय होती है वास्तव में वो उत्पादन व्यापार माने ही नहीं जाते। तो तस्कर का जो व्यापार है वो पूरी तरीके से अवैधानिक है, तो इससे संबंधित कोई भी आय राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।
अगला एक उदाहरण हम देखते हैं कि क्या अप्रत्यक्ष करों को राष्ट्रीय आय की गणना में कहीं शामिल किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष आय अगर बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है तो शामिल किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि कई बार साधन आय पर भी हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इस अप्रत्यक्ष कर को घटा देना होगा। अगला एक उदाहरण हम देखते हैं कि कंपनी द्वारा बॉन्ड का विक्रय किया जाता है। कंपनी बॉन्ड का विक्रय करती है, सीधी सी बात है कि इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा कि ये तो एक वित्तीय प्रक्रिया है, एक फाइनेंशियल एक लेन देन है, इसका किसी भी वर्ष के किसी उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता, और यही कारण है कि इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह एक उदाहरण हम देखते हैं कि सरकार द्वारा उद्यमी को आर्थिक सहायता प्रदान करना। हमने इस अध्याय में पहले में देखा कि कई बार सरकार इन उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, तो किस कंडीशन में उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए और कब नहीं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा रही, तो क्योंकि वो एक साधन आय है इसलिए उसको हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करेंगे, लेकिन बाजार लागत पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है तो वहाँ पर इसको शामिल नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम एक उदाहरण देखते हैं, अवितरित व्यावसायिक लाभ। अब अवितरित व्यावसायिक लाभ के बारे में हम जानते हैं कि ये जो लाभ है ये अंशधारियों के मध्य वितरित नहीं किया जाता है, बल्कि ये जो लाभ होता है इस पूरे में से ये कंपनी के आय का ये एक भाग होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखने योग्य है कि ये जो आय का भाग है इसको हम हालांकि राष्ट्रीय आय की गणना में तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जब हम व्यय योग्य आय ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर हम इसको घटा देंगे। अगला जो एक उदाहरण है वो है पूंजीगत लाभ। तो पूंजीगत लाभ को क्यों शामिल किया जाए व्यापार में? पूंजीगत लाभ को इसलिए नहीं शामिल किया जा सकता क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा लाभ है जिससे आगे कई वर्षों तक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उत्पादन में अगर वृद्धि की बात करें तो इसका उत्पादन में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हम नहीं करते। इसी तरह से एक उदाहरण देखते हैं, निगम या कंपनी जो कर देती है क्या वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाएं? तो बिल्कुल किए जाएंगे, और इसलिए किए जाएंगे क्योंकि ये जो आय है ये वर्तमान वर्ष की आय में से ही दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में जो आय होती है उसमें से एक कर योग्य आय को अलग कर दिया जाता है और उसके द्वारा ही फिर ये कर की राशि प्रदान की जाती है। तो क्योंकि वो एक निश्चित वर्ष की आय है और उसी में से दी गई है, तो इसे हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में जरूर शामिल करेंगे। वैसे ही एक बिंदु हम देखते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं। हमने देखा कि कुछ वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जो कच्चे माल और अंतिम माल के बीच की वस्तुएं होती हैं, तो क्या इस पर इन वस्तुओं के उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाए? तो इसका उत्तर भी नहीं होगा क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से इस बात को पढ़ा है कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं। यही कारण है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को यहाँ पर उनके उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हम नहीं करेंगे। अगला एक बिंदु हम देखते हैं, गृहिणी की सेवाएं। हमने देखा था पहले भी कि जो चाहे वो नर्स कोई काम करे अपने घर में, चाहे एक शिक्षक अपने घर में बच्चों को पढ़ाए, उसके बदले में वो किसी प्रकार की राशि नहीं लेते, वो निशुल्क है, तो हमने उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया था। ठीक इसी तरह हम देखें कि कोई गृहिणी अगर अपने घर में काम करती है तो उसके बदले उसको किसी प्रकार का मूल्य तो प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पर ये जो राशि है उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विगत वर्ष में उत्पादित वस्तुओं की जो आय है उनसे उसे क्या शामिल किया जाना चाहिए राष्ट्रीय आय में? तो इसका उत्तर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एक चालू वर्ष की जो आय है वहाँ पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम शामिल करते हैं, विगत वर्ष के मूल्य को इस वर्ष शामिल करना राष्ट्रीय आय की गणना में ये सही नहीं है।
एक पॉइंट आता है वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जो आय है, तो वृद्धावस्था पेंशन तो एक प्रकार का अगर देखा जाए तो यह हस्तांतरण आय है, किसी प्रकार के उत्पादन आय नहीं है, और यही कारण है कि इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। हाँ, हस्तांतरण भुगतान के रूप में हम इसको मान सकते हैं। अगली एक पॉइंट हो सकती है बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली सेवाएं, जो दी जाने वाले जो लाभ है या आय है, तो इसको भी हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वृद्धावस्था पेंशन के बारे में हमने देखा, उसी तरह ये जो बाढ़ पीड़ितों को जो धनराशि दी जा रही है वो भी एक प्रकार का हस्तांतरण भुगतान ही माना जाएगा। एक बिंदु हम ये भी देखते हैं कि बेरोजगारी भत्ता भी हम देते हैं, तो बेरोजगारी भत्ता भी किसी प्रकार की कोई आय नहीं है, हम उसको आय नहीं मानते, इसे भी हम हस्तांतरण भुगतान ही मानते हैं। तो यही कारण है कि इसको राष्ट्रीय आय में हम कैलकुलेशन में हम शामिल इसको नहीं कर सकते। यहाँ एक चीज और है कि ये जो हस्तांतरण भुगतान वाली आय है, जब हम व्यय योग्य आय और वैयक्तिक आय की गणना करते हैं तो वहाँ पर हम इनको शामिल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी मदें आती हैं और उनके कारण होते हैं कुछ, जिससे हम राष्ट्रीय आय की गणना में उनको शामिल करते हैं, और बहुत सी मदें ऐसे होती हैं जिनको हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। तो इन्हीं कारणों और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय आय की जिन अवधारणाओं के बारे में जाना और उनके संख्यात्मक प्रश्नों को हल किया, इन्हीं को एक विस्तृत रूप प्रदान करते हुए आगे आने वाले चैप्टर में हम राष्ट्रीय आय के मापन के बारे में जानेंगे।